रिकॉर्ड है मेरे पास, मेरा एड्रेस हाईकोर्ट में गया है, रंजी या पुट अ केस इन हाईकोर्ट अगेंस्ट कलेक्टर, उसको मंजूर नहीं। देखो मेरा कायदा ऐसा है, उसको मंजूर नहीं तो मैं उसको रोक नहीं सकता, इवन टू हाईकोर्ट मैं उसको फाइट आउट करूँगा। बाकी हॉस्पिटल में मेरा रंग भी भरा है, लगभग मुझे उनसे लगभग 1 करोड़ दंड से वसूल किए। अब जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हर अभी कैसे इशू क्या होता है, लफड़ा क्या हो रहा है, जो पेशेंट अंदर होता है हमने क्या बोला कि हर पेशेंट के 1.5 PPE के पीछे उदाहरण मिला, तो जैसे डॉक्टर अंदर जाता है उसका ट्रीटमेंट करता है, बाहर आता है कितने बार अंदर जाता है, कितने बार बाहर जाता है, ना तो कितना हुए ना कोई आदमी नहीं होता। अब हम क्या बोलते हैं, एक आदमी को दिन में 1.5 PPE किट ड्रॉप करता है, वो तो ठीक हो गया। अभी रेमडेसिविर का इंजेक्शन, अब कुछ चीज़ें मैं गिन सकता हूँ, अभी कितना इंजेक्शन दिया वो तो अंदर ही अंदर उसको मालूम है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी कि देखो जैसा अल्लाह भगवान दिखता नहीं, कैसा काम कर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हर एक क्या बोलता है कि ना माता पाई, तो डॉक्टर साहब कुछ कम मत करो, पहली चीज़ हर एक बोलता है कुछ कम मत करो, तो कितने रेमडेसिविर लगाए, 1 लगाए, 2 लगाए, उनको 5 लगाए, 6 लगाए, 7 लगाए। अभी कैसा है कि इन चीज़ों की जब बिल बन के बाहर आता है, मेरे लोग क्या देखते हैं कि हमने हमारे जो अप्रूव रेट है उसको लगाए तो चेक करते हैं, लेकिन अभी ये 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं पक्का मेरा। ये किस ताल्लुक से हुई और इसमें क्या फैसला लिया गया है ये बताइए। घूमने चलो। देखिए इन्होंने जो है 30 तारीख से लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ में बहुत सारे शर्तें थी जो कि बहुत सख्त तरीके से लॉकडाउन का निज़ाम बनाया गया है। लोगों को इस बात की डर थी कि आज ये लॉकडाउन 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक अगर होता है, उसके बाद रिपीट होता है तो रमज़ान मुबारक आता है, बहुत सारे हिंदू भाइयों के भी त्यौहार आते हैं उसके अंदर में, नवरात्र उसमें आती है, तो लोग किस तरह से अपने त्यौहार और अपने इबादत कैसे करेंगे, इसका भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे था। ये फर्स्ट तरीके से इस मीटिंग में फाइनल हो गया कि ये लॉकडाउन 30 से लेके 8 तारीख में ही ख़त्म होगा, उसको वापस रिपीट नहीं किया जाएगा, जिसके वजह से रमज़ान की परेशानी लोगों के जहन में थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात, गरीबों को जो परेशानी रहेंगी इसके दौरान में, जो मसाइल आएंगे, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए मदद करेगा, उनके खाने पीने के इंतज़ाम को पूरी ताकत से करेगा, ये भी उसके साथ में ही होगा। हम जो लोग मसाजिदों में नमाज़ पढ़ते हैं तो सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और मास्क लगाकर मस्जिदों में नमाज़ पढ़नी चाहिए, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की परेशानी नहीं होगी और पूरे तरीके से आप वो निज़ाम को कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब 10 दिन के अलावा ये लॉकडाउन नहीं होगा, और वैसे भी 2 दिन का लॉकडाउन तो पहले से हम कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा में क्या है, तो 6 दिन का ही लॉकडाउन एक्स्ट्रा के अंदर में है, तो 6 दिन के निज़ाम में सुबह से लेके 12 बजे तक के आप दूध सब्जी भाजी किराना जो कुछ आप परचेस कर सकते हैं आपके पास 7 बजे से लेके 12, 5 घंटे का टाइम आपके पास है, और ये 5-6 दिन ही हमको इसमें निकालना है, जिसके वजह से कोरोना की चैन को तोड़ना है। कोरोना की चैन अगर एक हफ्ते में टूट जाती है, जो रोज़ 2000 पेशेंटों की आमद हो रही है, ये टूट कर 100, 200 और 100 के ऊपर आ जाए, इस तरह की प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, ऐसा उन्हें लगता है। इसके बावजूद भी उन्होंने कोविड के एतबार से लोगों की सहूलत के लिए कई इंतजाम CC के और कोविड सेंटर के उन्होंने बनाए, और 17,000 बेड का इंतज़ाम उन्होंने किया। अगर कल परिस्थिति अगर ख़राब होती है और हाथ से जाती है तो उससे निपटने के लिए कलेक्टर साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पूरा इंतज़ाम करने की कोशिश का बोरा हमको बताया है, और उन्होंने तहखुन दिया कि किसी लोगों को कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होगी, और पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा हर किस्म की जो कि हम लोगों की उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो खाने का मसला हो, हॉस्पिटल में से लेके जो कुछ मसाइल आने वाले हैं उस पर प्रशासन पूरी मदद हमारी करेगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने उनसे चर्चा करके ये तय किया है कि अभी उनका कोविड का संदर्भ में ये लॉकडाउन जारी रहेगा 30 तारीख से, लेकिन अभी हम हमारी टीम जो है इस पर बैठ के एक लायल अमल बनाएंगी, अभी मशवरा करेंगी
लोगों के सामने हमारे मसाइल के ऊपर हमारी बात होंगी और हम कल तक के ये फैसला ले लेंगे। ठीक है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।